हाय सब्सक्राइबर्स, कैसे हो सब लोग। आज का टॉपिक जू और लीखें कैसे भगा सकते हैं, उसके लिए क्या दवाई है। थोड़ा बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। 10 साल से मैं अपने पार्लर क्लाइंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ। अच्छा फीडबैक है। ऑलरेडी मैंने नीचे वीडियो तमिल में डाला हुआ था। अभी कोशिश करूंगी हिंदी में भी वीडियोस डालूं, ताकि नॉर्थ इंडियन जो फ्रेंड्स हैं वो लोग इसका यूजफुल इंफॉर्मेशन समझ सके। ये परमिथ्रीन क्रीम है, पर लाइस क्रीम, परमिथ्रीन वन परसेंटेज क्रीम ही मेडिकल शॉप से लेना है। 1% याद रख लेना, अगर परसेंटेज बदल गया तो दूसरा क्रीम भी शायद आप ले लोगे, गड़बड़ हो जाएगा। परमिथ्रीन 1% क्रीम, ये औरतें, बच्चे, आदमी कोई भी यूज कर सकते हैं। 3 साल से बड़े बच्चों के लिए अप्लाई करने से अच्छा है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तभी उनके बालों में जुएं आ जाती हैं। और लीखों के लिए भी कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा दवाई है ये परमिथ्रीन 1%। ये जब आप खोलोगे तो ऑरेंज कलर का एक जेल क्रीम टाइप का होगा। उसको आप अच्छे से बाल धो लेना है पहले, बिल्कुल तेल नहीं होना चाहिए। अच्छे से बालों को शैम्पू कर लो, उसके बाद अच्छे से सूखने दे दो बालों को, आधा सूखेगा वो भी काफी है। उसके बाद इस क्रीम को लो, ऑरेंज कलर का आएगा, अपने फिंगर टिप्स में लो, टिप्स में लेके अच्छे से अपने स्कैल्प में अप्लाई करो। बालों में नहीं चाहिए, स्कैल्प में चाहिए, क्योंकि अंदर स्कैल्प में ही उस स्किन में सारे जुए बैठी होती हैं, छोटी छोटी जुए और बड़ी जुए, इसलिए अंदर स्कैल्प में अच्छे से इसको अप्लाई करना है। बहुत सारा मांग ले लेके स्कैल्प में अप्लाई कर लो। करने के बाद 10 या 15 मिनट छोड़ दो, हो सके तो कंघी करो, क्योंकि बहुत खुजली होगी दवाई के कारण। तो कंघी करोगे तो थोड़े अच्छे से स्कैल्प में अप्लाई भी होगा, और अगर छोटे बच्चे हैं तो बहुत परेशान होंगे तो कंघी दे दो, तो वो लोग कंघी कर लेंगे वो खुजलाहट को स्टॉप करने के लिए। 10 या 15 मिनट वेट करने से काफी है। उसके बाद सादा पानी में अच्छे से बाल और अंदर के स्कैल्प को अच्छे से एक बकेट पानी लेके धो लो। शैम्पू वॉश नहीं करना है, शैम्पू नहीं डालना है, क्योंकि पहले भी डाल चुके होगे। शैम्पू डालोगे तो इसका इफेक्ट निकल जाएगा। ये जू की जो दवाई है, इसका जो पावर है वो शैम्पू के कारण निकल सकता है, थोड़ा स्लो हो सकता है, इसलिए शैम्पू नहीं डालना है। सादे पानी से ही आपको वॉश करना है 10 या 15 मिनट के बाद। वॉश करने के बाद जब आधा सूख जाए, अगेन कोई छोटी टीथ वाला कंघी, नहीं तो जो जुओं के लिए जो कंघी आता है उसको रख के अच्छे से जुओं को निकाल दो। पहले तो बार बार आपको कंघी करना पड़ता होगा ना, इस दवाई के बाद आप एक बार यूज करोगे तो सारी जुए निकल जाएंगी, और जो लीखे हैं वो 10-15 दिन में खुद ही गिर जाएगा। अगर नहीं भी गिर रहा है, दोबारा अगर 10 दिन में जुए आ रही है, तो एक और बार इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसको रिपीट करो, सेम प्रोसीजर, 10 या 15 दिन बाद या एक हफ्ते बाद भी कर सकते हो। उसके बाद गारंटीड 6 महीने तक जुए या लीखे नहीं आएंगी। ये मैंने पार्लर क्लाइंट्स के बच्चों को दे के और खुद पे भी मैंने ये टेस्ट किया हुआ है, उसी का मैं रिजल्ट यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा दवाई है परमिथ्रीन 1% जू और लीखों के लिए। कोई परेशानी नहीं है, कोई होम रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है। होम रेमेडीज बहुत दिन लगता है उसको क्योर करने के लिए, ये बहुत आसान तरीका है। सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत यूजफुल भी होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।